अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की शिहाब भाई की लाइव लोकेशन देखने के लिए और शिहाब भाई के हवाले से सारी अपडेट देखने के लिए दोस्तों इस वीडियो को आखिर तक पूरा देखें। और शिहाब भाई पाकिस्तान कब पहुंचेंगे? अभी इस वक्त पाकिस्तान बॉर्डर कितना दूर है और शिहाब भाई अब आगे किस रास्ते पर सफ़र करेंगे, ये भी जानकारी इस वीडियो में देखिए। सबसे पहले दोस्तों, आज है तारीख 14 सितंबर और शिहाब भाई के पैदल हज के सफ़र को आज 105 दिन पूरे हुए हैं। दोस्तों, तारीख 2 जून 2022 को शिहाब भाई अपने घर से पैदल निकले थे और आज पैदल सफ़र करते हुए शिहाब भाई 105 दिनों में पंजाब के दरमियान तक पहुंच चुके हैं। दोस्तों, शिहाब भाई की लाइव लोकेशन बताने से पहले आप ये वीडियो देखें जिसमें शिहाब भाई लोगों से कुछ बातचीत कर रहे हैं। अभी मगरिब नमाज का टाइम है, आप लोग मस्जिद है, मस्जिद में जाओ, नमाज पढ़ो। हाँ, नमाज से फारिग हो गए माशाल्लाह। नमाज पढ़ लिया आप लोग? पढ़ लिया जी। सब जी पढ़ लिया इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सबके लिए। क्या चिकन करी? नहीं, चिल्ली है। भाई नमाज के लिए जाएंगे ऊपर। होटल वालों को परेशान मत करो प्लीज, दोस्तों। ये वीडियो 13 तारीख की रात की है जिसमें मगरिब के वक्त शिहाब भाई लोगों से मिलने के लिए इस होटल से बाहर आए थे और शिहाब भाई ने लोगों से नमाज पढ़ने को कहा था और माशाल्लाह सारे लोगों ने जमात के साथ होटल के गार्डन में नमाज भी पढ़ी थी। उसके बाद शिहाब भाई ने और भी बहुत सारी बातें की जिसमें उन्होंने ये भी कहा कि आज पूरा दिन शिहाब भाई यहीं पर इसी होटल पर रहेंगे। दोस्तों, ये होटल का लोकेशन आपको बताने से पहले पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि शिहाब भाई पंजाब के कोटकपूरा शहर से पैदल सफ़र पर रात के वक्त रवाना हुए थे और शिहाब भाई 4 से 5 घंटों का पैदल सफ़र करते हुए इस जगह पर पहुंचे थे। दोस्तों, इस जगह पर शिहाब भाई 13 तारीख की रात को पहुंचे थे और कल पूरा दिन इसी जगह पर रुके थे, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। 13 तारीख को शिहाब भाई ने कोई सफ़र नहीं किया था और पूरा दिन इसी होटल पर शिहाब भाई आराम में थे। और दोस्तों, आज 14 तारीख को भी शिहाब भाई ने कोई सफ़र नहीं किया, बल्कि आज भी शिहाब भाई पूरा दिन इसी होटल पर रुके रहे। दोस्तों, इस वक्त हमें ये अपडेट मिली है कि शिहाब भाई अभी अभी मगरिब के बाद सफ़र पर निकले हैं। आज 14 तारीख की शाम मगरिब के बाद शिहाब भाई ने पैदल सफ़र जारी किया है और अब जिस रास्ते से शिहाब भाई सफ़र करेंगे उस रास्ते पर जो शहर जो गांव आते हैं उन शहरों और गांव के नाम हम आपको बता दें। और साथ ही दोस्तों, अब पाकिस्तान की सीमा वाघा बॉर्डर कितना दूर है ये जानकारी भी इस वीडियो में जान लें। दोस्तों, आज शाम को शिहाब भाई ने फरीदकोट के पास टहना गांव की इस महाराजा होटल से पैदल सफ़र जारी किया था और अब दोस्तों आगे जो गांव शिहाब भाई के रास्ते में आने वाले हैं जिसमें चांदबाजा, मुड़की, तलवंडी और पंजाब का एक बड़ा शहर जीरा भी शामिल है। आज रात में शिहाब भाई इंशा अल्लाह इतना सफ़र तय करेंगे और अब पाकिस्तान की सीमा भी सिर्फ 150 किलोमीटर दूर है। बहुत जल्द शिहाब भाई इस दूरी को भी पैदल चलते हुए तय करेंगे। आप शिहाब भाई की सारी लेटेस्ट वीडियोस और लाइव लोकेशन देखने के लिए इस चैनल से जुड़कर रहें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें और ख़ास शिहाब भाई के लिए दिल से दुआ भी करें। जजाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम।